अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहब उम्मीद करता हूँ आप सब व्यूवर्स कैरियर से होंगे हमने वेक्टर स्पेस और लीनियर लीनियरजब्रा लेक्चर नंबर वन इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसको एक एग्जांपल की थी उसको अप्लाई करके बताया था कि किन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके वैक्टर स्पेस या याजब्रा बनता है नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमने की थी सेकेंड आपको असाइनमेंट दी दी थी अब ये थर्ड एग्जाम्पल है लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल मैपिंग अ सेट एक्स टू द फील्ड एफ वी एक ऐसा सेट है जो कि मैपिंग्स पे डिफाइन हो रहा है जो सारी की सारी मैपिंग सेट एक्स से एफ फील्ड की तरफ है देन वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ फिर इस वेक्टर स्पेस वी इसको प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कंसीडर

अब हम अंडर मल्टीप्लीकेशन करेंगे उससे पहले एंड द एसोसिएटिव लॉ इज़ सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स एसोसिएटिव लॉ मींस एफ ऑफ एफ प्लस जी और थर्ड एलिमेंट इसका एलिमेंट मीन्स इसका फंक्शन ही होगा तो थर्ड फंक्शन एफ एच जी है एच ले लें और इन एफ जी और एच पे अगर आप अंडर एडिशन अप्लाई करेंगे तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएंगे इट्स मीन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है इसमें द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी ज़ीरो फंक्शन आइडेंटि एलिमेंट क्योंकि ये फंक्शनज है एफोफेक्स की फॉर्म में इस तरह से जीओक्स की फॉर्म में तो इसमें आइडेंटिटी किस तरह की होगी जीरो फैक्स की फॉर्म में ठीक है जो कि ज़ीरो के, के इक्वल ही होगी द आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी ज़ीरो फंक्शन दैट इज़ ज़ीरोक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ ओफेक्स प्लस ज़ीरो यानी ज़ीरो फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस एफोफेक्स एफ ज़ीरो ने एफ ओफ एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं डाला इट्स मीन जीरो इसकी आइडेंटिटी है अब आगे बारी एडिटिव इनवर्स की अगर एफ ओफेक्स अब फंक्शन सपोज करते हैं तो इट्स मीन माइनस एफ ओफेक्स इसका एडिटिव इनवर्स होना चाहिए चेक करते हैं एफ ओफेक्स प्लस माइनस एफ ओफेक्स इसी तरह से माइनस एफ ओफेक्स प्लस एफ ओफेक्स करें तो जीरो फंक्शन डिफाइन होता है इट्स मीन एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहती है सिंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन फॉर द सेट वी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड एफ़ बिलोंग्स टू वी यानी फील्ड में जो एलिमेंट हैं वो ए सी डी टाइप्स के हैं और जो वी में एलिमेंट्स हैं वो फंक्शन हैं एफ इस तरह के और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है एफ़ यानी स्केलर को मल्टीप्लाई करें और उस वेक्टर फील्ड के एलिमेंट्स के साथ एफ़ हो जाएगा यह ऑबवियसली बिलोंग करेगा फील्ड में क्योंकि फील्ड में सारे फंक्शन हैं तो मल्टीपल्स ऑफ फंक्शन भी बिलोंग करेंगे डिफाइन बाय इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे ए एफ ऑफ एक्स अगर करें तो ए कॉन्स्टेंट है बाहर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा सिंस वी सैटिस्फाइड द लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेंगे चेक करते हैं किस तरह से करेंगे दैट इज़ फॉर ऑल हमने दो फंक्शन डिफाइन किए वी से एफ एंड जी एंड ए बिलोंग करता है फील्ड के एलिमेंट ए अब इस ए को डिस्ट्रीब्यूट कराना एफ पे हम क्या करेंगे ए इंटू एफ़ प्लस जी करेंगे ये ए डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले एफ़ पे फिर ए डिस्ट्रीब्यूट होगा जी पे इट्स मीन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा या इसको इस तरह भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे एक्स हो तो आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स प्लस जी प्लस ए इंटू जी ओ फैक्स ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया हेंस वी इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप कह सकते हैं जो वी है आपके पास वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर हमारे पास फोर है गिवन स्टेटमेंट है इफ़ इन एग्जांपल थ्री यानी जो हमने एग्जांपल प्रीवियस की है उसी एग्जांपल को वो कहता लें वी लेट एक्स जो गिवन था उसको सपोज करें कि वो रियल नंबर आर है और वही उसकी फील्ड है देन द वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन अब स्पेसिफाई कर दिया कि जो वैक्टर स्पेस बनेगी वो सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन की बनेगी क्योंकि एक्स इज इक्वल टू आर है रियल नंबर्स पे बिलोंग कर रहा है लेट तो हम सपोज करेंगे एल इज़ इक्वल टू एफ़ यानी फील्ड फ्रॉम ए बी से आर स्केयर आर स्केयर की तरफ ए बी क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं तो दो एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर पेयर में होंगे ऑर्डर पेयर हमेशा आर स्केयर से आएगा इसीलिए आर स्केयर डिफाइन किया सच दैट जो ए बी हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं सेम एग्ज़ाम्पल थ्री वाला प्रोसेस करेंगे एफ जी दो फंक्शन लेंगे बी से और हमें पता है एफ़ प्लस जी इंटू एक्स ये क्लोज़ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट वी क्लोज़ हो जाएगा अंडर एडिशन अंडर एडिशन फिर इस पर एसोसिएटिव ला भी होल्ड करेगा सेटिसफाई बाय द एलिमेंट और इसी तरह से इसकी आइडेंटिटी भी सेम वैसी होगी जीरो फैक्स जो कि ज़ीरो के इक्वल होगी और ज़ीरो को इसमें ऐड करने से ज़ीरो फंक्शन को और लेफ़्ट या राइट से दोनों से ऐड करने से एफ फैक्स पे कोई फंक्शन नहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो फैक्स उसकी आइडेंटिटी है फ़ंक्शन की सिमिलरली अब हम माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन करवाएंगे चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और इस तरह से माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स ये जीरो के इक्वल आता है जीरो फंक्शन के लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी अब एक्स वाई दो एलिमेंट एक एलिमेंट जो ए बी क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है टेक एनी एफ वन एफ टू इन एल एल से एफ वन और एफ टू दो एलिमेंट्स लिए सच that एफ वन ऑफ एक्स वाई आरस के से बिलोंग करता है एफ टू ऑफ एक्स वाई भी आरस के से बिलोंग करता है क्योंकि आर स्केयर है तो इसमें ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होंगे और एफ़ वन एफ़ टू ऐसे फंक्शन हैं जो एल लिस्ट से यानी जो हमने एल डिफ़ाइन किया सेट उससे लिए हैं दो एलिमेंट्स अब इन दो एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे एफ वन एफ़ टू इन टू एक्स वाई ये हो जाएगा एफ़ वन ऑफ एक्स वाई प्लस एफ टू ऑफ एक्स वाई क्योंकि प्लस था इन दरमियान में तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या आर स्केयर को बिलोंग करते हैं इट्स मीन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोज हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी अब हमारे पास ये होता था कि दोनों को ऐड करते हैं लेट्स सपोज इन दोनों फंक्शन को हम सपोज करते हैं एक यू के इक्वल और एक को वी के इक्वल अब इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे यू प्लस वी यू प्लस वी हो जाएगा एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस जी ऑफ ए कोमा बी तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये भी आर स्केयर का सबसेट है ये भी आर स्केर का दोनों मिलके के आर स्केर के सबसेट ही होंगे क्योंकि ऑर्डर पेयर से ही आएंगे इट्स मीन यू प्लस वी बिलोंग कर जाएगा एल में अब हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन रहेगी अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अल्फ़ा सपोज़ करेंगे लिस्ट से और यू हमारे पास गिवन ही है यू हमें पता है एफ ऑफ ए बी के इक्वल है तो अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ ए बी हो जाएगा ये अल्फ़ा एफ इन टू ए जाएगा तो ये एल से बिलोंग करता है ए बी और अल्फा एफ बी एल से बिलोंग करता है इट्स मीन अल्फा यू बिलोंग कर गया एल से यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गए और फोर्थ वन है u प्लस वी इज इक्वल टू वी यू यानी कोमोटेटिव या होना चाहिए या बिलियन अंडर एडिशन तो यू प्लस वी हमने किया u प्लस वी की वैल्यूज़ लें जी एफ प्लस जी ए बी एफ ओफ ए भी हो जाएगा प्लस जी ओ फी हो जाएगा अंडर एडिशन हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि वो अंडर एडिशन एसोसिएटिव भी है और बिलियन भी है तो फंक्शन फंक्शन को हम लिख सकते हैं जी ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ ए अब इनको जब क्लोज़ करेंगे तो ये हो जाएगा जी प्लस एफ ए बी तो ये वैल्यू है जी एफ प्लस एफ की यू और वी सॉरी वी और यू लिया था हमने यू वी आ जाएगा वी यू इट्स मीन ये क्या हो गया अंडर एडिशन अबिलियन हो गया फिर हम कह सकते हैं था सी इज अ वेक्टर फील्ड या वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एक्स विच इज़ इक्वल टू तो रियल नंबर नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स यानी हर फील्ड वेक्टर स्पेस बन सकती है ओवर इट यानी किसी फील्ड को कोई फील्ड है सपोज दैट एफ एक फील्ड है वो वेक्टर स्पेस कब होगी वो कहता है ओवर इट सेल्फ यानी उसका जो उस पर जो फील्ड डिफाइन हो फील्ड पे वो भी एफ़ ही हो या इस तरह से अगर एफ़ को आप प्रूव करना चाहते हैं कि वेक्टर स्पेस है तो उसकी फील्ड भी वही आप लें इस तरह से एस अगर कोई फील्ड है उसको सपोज करना चाहते हैं उसको प्रूव करना चाहते हैं कि वो वैक्टर स्पेस है तो उसकी जो फील्ड है वो भी आप एस ही लेंगे इट तो हम प्रूव करते हैं सिंस आ फील्ड एफ़ इज़ अ कोमोटेटिव हमें पता है कि फील्ड एफ कम्पोटेटिव ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन ठीक है हमने ये बात पहले प्रूव भी किया डेफिनेशन में भी पढ़ी हुई है कि कम्पोटेटिव लाभ इसमें ऑड करता है बिलियन है और बाइनरी ऑपरेशन उसमें अंडर एडिशन है एक और दूसरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये फील्ड को प्रूव करने के लिए अब हमने कहा है कि इट्स सेल्फ है क्योंकि वो कह रहा है तो हम कहेंगे एफ क्रॉस एफ फंक्शन डिफाइन किया एफ क्रॉस एफ से एफ इज़ वेल डिफाइंड देयर फॉर एफ सैटिफाइज ऑल द एक्म ऑफ द वेक्टर स्पेस क्योंकि फील्ड है तो एक वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिसफाई करेगी हेंस एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सेल्फ ये थ्योरम की स्टेटमेंट है एम सी क्यूज वगैरह के लिए और शॉर्ट आ जाए तो आपने ये प्रूव कर देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स जो भी फील्ड आप लेंगे वो वेक्टर स्पेस होगी कब उस पर कंडीशन है कि जब वो इट्स सेल्फ उसका जो है डिफाइन हो रही हो यानी एवरी फील्ड डिफाइन ऑन इट्स सेल्फ also a vector space.